hello dear students uh, today's topic is shapes okay in shapes you have read about many kind of shapes like circle triangle square rectangle oval etc so many shapes okay you know how to draw shapes okay how to recognize shapes but today we'll do its faces its edges and its corner okay कि ये फेसिस क्या होते हैं एजिज़ क्या होते हैं इन शेप्स हैं एंड कॉर्नर्स क्या होते हैं ओके लेट्स फर्स्ट क्लियर द न्यू टर्म्स ओके न्यू टर्म्स मीन्स यू आर डूइंग फॉर फर्स्ट टाइम कि वॉट आर फेसेज वॉट आर एजिज एंड वॉट आर कॉर्नर्स सी फर्स्ट वी हैव फेस ओके फेस नॉर्मली जैसे आपका फेस होता है सबका अपना अपना फेस रहता है जो फ्रंट फेस होता है वैसे ही विटू फेस मीन्स अ लाइन और साइड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ओके जो भी हमें सामने दिखता है ओके okay, जैसे आप सर्कल देखते हो तो फ्रंट फेस दिखता है दैट इज इट्स फेस ओके आपने रेक्टेंगल बनाया है तो आपको सेम सामने वाला फेस दिखता है दैट इज इट्स फेस हमारा भी फेस है जैसे आपका है मेरा है सबका फेस है दैट इज फेस ओके जस्ट सी हेयर हेयर इज ट्राइंगल ओके फ्रंट फेस फ्रंट साइड इज इट्स फेस्ड फेस ओके सेकेंड वी हैव एज ओके एज मीन्स You can say a line. Okay, see we have a triangle. Tri triangle is made with three lines, three straight lines. So it means these lines or these sides are also called edges. Okay. So third we have corner. Okay. Corner is also known as vertex. Okay, other name of corner is vertex. Okay. Corner means a point where two lines meet. Okay, pe bhi two lines meet karti hai. Two sides meet karti hai. Any line or side okay they join when they meet at a point they form a corner okay corner is also called vortex. okay vertex is sometimes there are vertices vertices means plural form of vortex. okay, चलिए क्लास दीज ये तो अभी टर्म्स थी कि ये क्या है होती है क्या क्या टर्म्स होती है ओके नाउ कम टू द शेप फर्स्ट वी हैव फर्स्ट शेप वी हैव सर्कल See, this is a circle. Okay. Okay, now um, what I told you, see, this is a circle, and now we have to write its face. How many faces a circle have? Edges and corner. See, this circle is made with curved line. ओके okay, बिटू तो आपको पता है जो भी आपके स्पेशली फेस तो सबका ही रहता है जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं बट एजिज एंड कॉर्नर बिटू उसी से ही बनता है अगर इफ वी हैव स्ट्रेट लाइन अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है तभी आपके एजिस बनते हैं एंड कॉर्नर्स बनते हैं सी इन सर्कल देयर इज ओनली वन फेस ओनली वन फेस जो हमें दिख रहा है दिस होल इज इट्स फेस सो हाउ मेनी फेसिस आर सर्कल हैव सर्कल हैव वन फेस So, we will write one and edges no edges because it is made with curve line no straight line is here and corner obviously here is no corner see okay now circle have one face one zero edges and zero corner i think very simple hai it's easy okay after circle okay after circle we have क्यूब एंड क्यूबॉयड ओके आई थिंक आपको सबको ही क्लियर है कि क्यूब क्या होता है क्यूबॉइड क्या होगा होता है ओके बेटू क्यूब मीन्स अ ऑब्जेक्ट अ थिंग दैट इज मेड विद वॉट दैट इज मेड विद स्क्वेयर ओके दैट इज मेड विद स्क्वायर जो स्क्वेयर से बनती है दैट इज क्यूब ओके सी आई हैव मेड अ क्यूब हियर ओके दिस साइड वी हैव क्यूबॉइड ओके बेटू सी क्यूब इज मेड विद स्क्वेयर And and cuboid is made with rectangle. Okay, difference is only this. Okay, cube is made with square and or uh, cuboid is made with rectangle. See, okay, ये हमें ऐसे दिखता है बेटू, जब हम इसको पेज पे draw करते हैं. Okay, just look here. Okay. इन क्यूब हाउ मेनी फेसिज आ क्यूब है हाउ मनी एजिज आ हीयर हाउ मनी कॉर्नर आ हीयर ओके देर आर सो मेनी cube okay क्यूब ओके okay. आप साम सीढ़ी खेलते हैं स्नैक एंड लैदर जिसको कहते हैं एंड यू प्ले लूडो गेम ओके बेटो जो भी आप लूडो गेम खेलते हैं वो किससे खेलते हैं ओके डाइस से खेलते हैं डाइस इज़ एग्जाम्पल ऑफ क्यूब ओके एक और आप गेम खेलते हैं पजल गेम खेलते हैं दिस इज the example ऑफ क्यूब ओके okay? तो इस क्यूब में क्या होता है बेटो सी अब हम लोग इनके फेसेस काउंट करते हैं एजिस भी होंगे बिकॉज ये आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है सी इज क्यूब, अब हम सबसे पहले फेसेस की बात करते हैं सी वन वन फेस सेकेंड थर्ड फोर्थ ओके और अभी तो बेटू हमें फोर ही विजिबल है बट अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो आपके कितने फेसेस रहते हैं इसके सिक्स फेसेस रहते हैं ओके बेटू टू इसके पीछे रहते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं ओके okay, अभी अगर हम इनके अब सी देर आर सिक्स फेसेस इन अ क्यूब ओके अभी मैम आपको अभी दिखाएंगे भी कि कैसे आप इनको काउंट कर सकते हैं सी नाउ विल काउंट द एजेस ओके अब नाउ एजेस इज ओके बेटू सबसे पहले एजेस सी One line, second, okay, third, fourth, okay, one, two, three, four, five, six, seven, this one, eight, nine, ten, eleven, twelve. How many edges? There are twelve edges, okay, now. कॉर्नर्स ओके हाउ मैनी कॉर्नर्स वन टू थ्री फोर ओके फाइव सिक्स सेवन एट इट मींस देर आर एट कॉर्नर्स ओके बेटू और एक चीज मैं आपको बता दू जैसे आपका क्यूब है वैसे ही क्यूब एड में भी एक्जैक्टली ऐसे ही फेसेज होते हैं ऐसे ही एजेस रहते हैं ऐसे ही कॉर्नर रहते हैं बिकॉज डिफरेंस एक ही एक ही क्यूब आपका स्क्वायर से बनता है एंड क्यूबाई डल का रेक्टेंगल का बनता है तो इसमें भी सेम रहेंगे सिक्स फेसेस एजेस एंड एट कॉर्नर्स इफ यू वांट टू काउंट जस्ट लुक हियर कॉर्नर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट कॉर्नर इफ यू वॉन्ट टू काउंट द वन टू थ्री फोर ओके बेटू फिफ्थ ऊपर को होती है इस वाली साइड और सिक्स नीचे को होती है 6 faces, okay? Similarly, corners, 8 है, ट्वेल्व आपकी, आपकी इसके क्या रहेंगे आपके एजिज रहेंगे ओके दिस इज एंड

Now, no. one third phase. Okay, is first phase. Okay. Second is the opposite phase. No. Second okay. phase. Now, I have written two one. Now, okay. And third phase. Sixth one. Okay. okay total. How many phase? are here. Okay. Six. This one is, is here. Fifth one.

एजिस रहेगी वन दैट इज फोर 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 थ्री कहाँ है नीचे फोर फोर एट नाइन टेन फोर एलेवन है फोर कहा है टोटल ट्वेल्व से ट्वेल्व लाइन से ट्वेल्व आर ट्वेल्व साइड ट्वेल्व लाइन्स ओके यू कैन से ट्वेल्व लाइन यू कैन से ट्वेल्व एचेज ओके नाव वी हैव क्रन एंड सिलेंडर ओके नाव कौन इज इन फ्रंट ऑफ यू सी कौन ओके कौन की एग्जाम्पल्स भी आपने बहुत सारे देखे होंगे आप लोग आइसक्रीम खाते हैं आइसक्रीम आल्सो कोन आइसक्रीम आल्सो एग्जांपल ऑफ कोन ओके सी बिटू जब भी हम कोन आपने देखी है जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रही है ओके ये जो कोन है तो इसमें बिटू फेसेस कैसे रहते हैं सी फेसेस दिस फेस And this face, so, it means how many faces are here? There are two faces, okay. अब जो एजेस हैं एजेस इसमें कितने हैं अब देखो बेटू जब भी आप कोन हाथ में पकड़ते हैं ना तो हमें क्या दिखता है जो ये वाली साइड है ना आपकी ये वाली साइड तो हमें यही वाली साइड हमेशा दिखती है तो इट मीन्स इसमें कितने एजेस होते हैं बेटू वन ही एज रहता है ओके तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना इस डायग्राम पे मत जाना कि हम कोन को ऐसे प्रेजेंट करते हैं ओके एक्चुअल फॉर्म में आपने देखना है जब भी आप कोन को पकड़ते हैं तो आपको बेटू जो ये वाला फेस है ये वाला फेस यही दिखाई देता है यही दिखाई देता है तो इट मीन्स हाउ मेनी एजेस आर हेयर

आपके रहते हैं जैसे आपका सिलेंडर है जिससे मम्मा गैस जो रहती है घर पे खाना भी बनता है आपका सिलेंडर से ओके दिस इज ऑल्सो एक्जाम्पल ऑफ सिलेंडर सिलेंड्रिकल बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं बिटू आपके नियर बाय आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिलेंड्रिकल थिंग्स में भी देखी होंगी ओके okay, सिलेंडर का जो शेप है सी आप सबसे पहले फेसिस की बात करते हैं आप देखो सिलेंडर में बिटू वन फेस जो हमें दिखता है Second face and third face. okay, three three are here, so we'll write three because these three faces are visible. Okay, ओके थ्री cylinder रहता है जिसकी जो साइड रहती है ये बिल्कुल circular रहती है okay, बिल्कुल सफियर रहते हैं okay, you can see, ओके okay? अगर हम ऐसे देखेंगे ना बेटू ये हमें बिल्कुल exactly ऐसे दिखता है means सफियर होते हैं इसके साइड में तो so, means हाउ मेनी faces आर here? थ्री टू आपके जो सर्कल वाले फेस है और बीच में जो रेक्टेंगल की तरह दिखता है दिस वन ओके अब हमारे एजेस की बात आते हैं अब एजिस हैं बेटू जो आपको ये दिख रहे हैं दिस लाइन एंड दिस लाइन ओनली टू एजेस आर हियर ओके सो विल राइट टू एंड देन वी हैव कॉर्नर ओके सी बेटू यहाँ पे कोई भी कॉर्नर नहीं होंगे बिकॉज जो मैंने कहा कि आपको जो रेक्टेंगल है बीच में आता है ओके okay, बीच में आता है तो आपके जो एजेस है यहाँ पे तो सर्कल है जिसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ओके हेयर इज सर्कल तो यहाँ पे सर्कल है तो मीन्स हेयर इज हाउ मेनी कॉर्नर आर हेयर हेयर इज ओनली Zero corner. Okay, this is all about.